गुजारिश, यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक रोजाना हम पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज एक हम ऐसी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। आज एक जिक्र एक ऐसे संत का होगा, एक ऐसे बाबा का होगा, एक ऐसे गो भक्त और भक्तों को गौ सेवा के लिए प्रेरित करने वाले संत की कहानी है, जिन्होंने इस चारे के संकट में सैकड़ों ऐसी गौशालाओं को हरा चारा पहुंचाने की व्यवस्था की और सीधे तौर पर 2 लाभ सबसे बड़े हर गौशाला को देने का काम किया है। आज एक कार्यक्रम रखा गया वहां पर, जो कि सिरसा के सैनपाल कोठे हैं, उन्होंने अपने एक छोटे से धाम के ऊपर कार्यक्रम रखा। और वहीं पर जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की ऐसी सैकड़ों गौशालाओं की कमेटियां पहुंची, जिन्होंने बाबा का पहुंचकर धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया कि आप धन्य हैं जो गौशालाओं के लिए इतना सोचते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिएगा, जहां पर एक हवन यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया, सुख समृद्धि की पूरे गांव और पूरे समूचे देश विदेश के लिए कामना की गई, और जहां पर बड़ी संख्या में जो जनप्रतिनिधि हैं गौशालाओं के, वो यहां पर पहुंचे थे। अब पूरा माजरा बताते हैं। जब गेहूं की कटाई से पहले और अब अगर इससे पहले 10 दिनों की बात करें, और खास करके 15 से 20 दिनों का जो पहला आप देखेंगे, करीबन 1 महीने का, गौशालाओं में विशेष तौर पर हरे की बहुत बड़ी किल्लत थी। और यही वो बाबा हैं जिनको काली कमली वाले बाबा भी कहा जाता है और तीर्थ बाबा जी के नाम से ये मशहूर है। ये बाबा जी की असीम कृपा इन गौशालाओं के और गो भक्तों के ऊपर है कि ये किलोमीटर नहीं देखते, इवन राजस्थान की 500, 800, 1000 दूर किलोमीटर गौशालाओं में भी इन्होंने ट्रक भेजकर वहां पर हरे चारे की व्यवस्था करके लगातार दी है। इससे पहले हर गौशालाओं को इन्होंने तूड़ी भूसा यो वहां पर पहुंचाने का काम किया, और अब पिछले 1 महीने से ये जो चारे हरे चारे की व्यवस्था है वो यहाँ की आसपास और दूर दराज पंजाब राजस्थान की गौशालाओं में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बाबा खुद को इतना प्रचारित नहीं करते हैं, वो मीडिया के सामने भी नहीं आते, और वो यकीन रखते हैं कि हमें सिर्फ गौ सेवा करनी है और वो उसमें किसी तरीके की कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। लेकिन ये खबर समाज को एक जागृति देने वाली है और धन्यवाद करने वाली है ऐसे बाबा का जो गौशालाओं के लिए दिन रात इतना सोचते हैं। और आज इसी की मिसाल है कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की तमाम गौशालाओं की ओर से उनका धन्यवाद व्यक्त किया गया, उनको सम्मान पत्र उनको सौंपे गए, और वहाँ पर एक छोटे से कार्यक्रम हवन यज्ञ और एक भोजन की वहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी की गई थी। वहां पर पहुंचे तमाम गौशालों ने उनका धन्यवाद किया और उन्होंने सभी गो भक्तों से आह्वान किया है कि आप गौशालाओं को, गौशालाओं में गौओं की सुख समृद्धि के लिए वहां पर हर सुविधा हो सके उसको लेकर आप अपने गांव स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम करें, गो भक्तों को आगे आने का आह्वान करें ताकि गौशालाओं के अंदर जो गौओं की सेवा में कोई भी कमी ना रहे। तीर्थ बाबा खुद भी कहते हैं कि उनका एक ही धैर्य जिंदगी का है कि मैं मानव सेवा को समर्पित अपनी जिंदगी को करना चाहता हूं और गो सेवा में मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। यही वजह है कि वो लगातार खेतों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, भ्रमण करते हैं, पंजाब राजस्थान में चले जाते हैं, और आज बड़ी संख्या में जो तमाम गो भक्तों की ओर से उनका धन्यवाद, उनका शुक्राना किया गया। और सीधे तौर पर 2 लाभ, सबसे बड़ा लाभ है कि पिछले 1 महीने में आसपास की गौशालाओं में विशेष तौर पर जो हरे चारे की व्यवस्था थी उसमें कमी नहीं आई। अगर हरा पर्याप्त मात्रा में गौशालाओं में पहुंचा तो उससे सबसे बड़ी स्टोरेज जो तूड़ी की हुई है उससे हजारों रुपए की स्टोरेज सेव हुई है हर गौशाला की। और उससे बड़ी बात है कि उन गौओं के लिए हरा चारा जब इस इलाके में नहीं हो पाया था तब उन्होंने अपने गौ भक्तों को आह्वान किया था पहले से कि आप अपने अपने खेतों में ज्वार या फिर कैसे भी हरे चारे की जो व्यवस्था हो सकती है वो आप करें। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा ने अपनी खुद के खर्चे से, इनकी पूरी जो एक भक्तों की पूरी टीम है उन्होंने खुद अपने ट्रैक्टर ट्रॉली और जो एक रिपर होता है उसी के जरिए पूरे चारे को खेतों से ही
काटने के बाद उनको ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रालों के माध्यम से राजस्थान में भेजा, हरियाणा में भेजा, पंजाब में भेजा और ऐसी बहुत सारी सैकड़ों गौशालाएं हैं जिनके सेवादार और वहां पर जो कमेटी है वो खुद वहां से जाकर हरा चारा लेकर आते थे। यहां पर पहुंचे गो भक्तों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। आज यहाँ पर गांव सैनपाल में बाबा तीर्थ सिंह सैनपाल जी वालों की कुटिया पर आज यहाँ पर नंदीशाला की पूरी टीम के साथ आना हुआ और बाबा तीर्थ सिंह जी जो कि गौ सेवा में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं इस एरिया की और पिछले दिनों बहुत बड़ी सेवा का कार्य बाबा तीर्थपाल सिंह जी की प्रेरणा से इन गांवों में चला। आसपास के 20 से 25 गांवों में गुरु जी की प्रेरणा से हरे चारे की भी जांच की गई थी जो पिछले एक महीने से उस सारे हरे चारे की कटाई करके बहुत से क्षेत्रों में भेजा जा रहा था। बहुत से एरिया चाहे वो पंजाब के हों, हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी हरा चारा भेजा गया क्योंकि बारिश के दिनों में कई जगह हरे की किल्लत रही हरे चारे की। और नंदीशाला की टीम भी बाबा जी से बहुत सालों से जुड़ी हुई है क्योंकि खड्डों में जो नंदीशाला बनी हुई थी उसकी मिट्टी की भरत थी, फीलिंग थी, वो बाबा जी की प्रेरणा से हुई थी। आप पीछे देख ही रहे हैं कितनी ही गौशालाओं के प्रधान सेक्रेटरी संगठन यहाँ आज मौजूद हैं और सभी बाबा जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। और बाबा जी की हमेशा तीर्थ सिंह जी की प्रेरणा रहती है कि गौ भक्ति सबसे बड़ी सेवा है और हमारे दुखों को दूर करने वाली है, हमारी किस्मत का हमारे किस्मत के सितारे बुलंद करने वाली है। और बाबा जी भी जब भी हम दर्शन करने आते हैं तो दुनियावी बातों से दूर हमें यही प्रेरणा देते हैं कि आप सभी युवा शक्ति गौ सेवा पूरे जोश और जोर के साथ करते रहो तथा और लोगों को भी प्रेरणा दो। हरे चारे की किल्लत को यहाँ से कैंटर, पिकअप, छोटी ट्रालियाँ भर भर के यहाँ गुरु बाबा जी के भक्त थे, करीब 100 के भक्त वो सेवा के कार्य में लगते थे। सुबह कटाई शुरू होती थी, दोपहर शाम तक हरे चारे की कटाई चलती थी और अनेक गौशालाओं में ये हरा चारा भेज के लाखों गौवंशों का पेट बाबा जी की प्रेरणा से भरा गया। आज बड़ी खुशी की बात है कि इस सैनपाल गांव में तीर्थमल जी संत हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा भंडारा किया है, उसमें गो भगत कम से कम 700 किलोमीटर दूर से चलकर यहां आए हैं और लंगर पानी की यहां पूरी व्यवस्था है। इन्होंने कम से कम 70 गौशालाओं को हरे चारे की पूरी व्यवस्था पूरे सीजन में दी है, कम से कम एक महीने तक, और आगे भी इनका यही है। कभी हम अब जो प्रोग्राम किया है इससे ज़्यादा प्रोग्राम करके और गौओं को बचाएंगे और गौशालाओं इससे ज़्यादा गौशालाएं जोड़ेंगे। इन्होंने बहुत ये गौ माता के लिए आज ये कृष्ण के रूप में यहाँ खड़े होकर इन्होंने सेवा की है। इनका हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। गौशाला नोर और गौशाला बाईसेंटियार, गौशाला पदमपुरा और गौशाला झाड़सर से आए हुए थे। हमारी चार गौशाला के सभी सदस्यगण आए हुए और हमारी गौशाला में यहाँ से चारा, हरा चारा बहुत बढ़िया मिलता है जी। कितने समय से जुड़े हैं जी आप इनके साथ? मैं तो अब की बार जी पहली साल ही है हमारे तो। कितने दिन तक आपको चारा पहुँचाया गया वहाँ? एक महीने तक। तो आज आप धन्यवाद के तौर पर? बिल्कुल धन्यवाद करते हैं, तो गौ माता के लिए बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। विशेष तौर पर इस बार काफी बड़ा संकट रहा हरे चारे का, ऐसे में बाबा जी ने जो सेवा की है कैसे प्रेरणा मिलती है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम किए है, बार बार खुद आग्रह करके और हरा चारा दिए और बाबा जी के आग्रह, ये भी आगे भी आपका कोटा जो राजस्थान का है सूखे चारे की व्यवस्था रखेंगे। तो हमारा तो हम तो ये कहते हैं कि बाबा जी का धन्यवाद, बार बार इस संकट की घड़ी में जो सूखे चारे की इतनी महंगाई हो रही है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। तो आपने सैनपाल बाबा जी की तरफ राजस्थान में लगभग 55 गौशाला में अब की बारी हरे चारे की बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है और आगे भी किए के हम निवेदन है भी आपने टूड़ी की पूरी व्यवस्था करावेगा और हमारे एरिया में है हो सके तो 15 रोज बाद में गौशाला भ्रमण भी कर गया होगा, फिर बाद में अगर कोई कमी होगी तो वह पूर्ति भी करेगा। धन्यवाद। गौशाला से जय गौ माता जी। बाबा जी का गौशालाओं में बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है
हमारी गौशाला में भी हरे चारे की अच्छी व्यवस्था की गई थी। हम आगे भी बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी गौशाला में एक बार पधार कर उन अपने चरण कमरों से उस गौशाला को पवित्र बना दें तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली और आभारी रहेंगे। गौशाला से जो यहाँ से लगभग 160-165 किलोमीटर दूर पड़ता है, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए हैं। ये हमारी गौशाला सावा साहब के पास स्थित है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। गौ सेवक मम्मड़खेड़ा गौशाला, इन बाबा जी ने अब की बार लगभग एक महीने तक हमारी गौशाला को मुफ्त में खूब हरा दिया और तूड़ी के लिए भी हर साल ये सहयोग करते हैं। हम इनके साथ 3 सालों से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा सहयोग है बाबा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। ठीक है, हजारों गौशाला को दूर दूर से जो 500-500 किलोमीटर दूर से आई थी उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था करी। आज हम सबको मिलने के लिए बुलाया है, सबको इकट्ठा किया है। राजस्थान की गौशाला भी है, हरियाणा की, अपने आसपास की है, जो सबको बुला के भंडारे का आयोजन किया है और आगे के लिए भी कोई रूपरेखा बना रहे हैं कि किस तरीके से लगातार आप हरे चारे की सेवा करेंगे। बाबा जी का हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे।